फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों के अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन के सैकड़ों प्रतिनिधियों और आम आदमी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए भाजपा ने पूरे प्रदेश में महिला थाने खुलवाए हैं और देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्द ही देश में फांसी का कानून भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसमें पुलिस प्रशासन अधिकारियों के अलावा बल्लभगढ़ शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और योग भी किया। योगाचार्य जयपाल शास्त्री ने सभी को योग क्रियाएं करवाई और रोजाना योग करने की सलाह दी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जन की सुरक्षा और देश के हित में अहम फैसले लिए गए हैं। उनकी माने तो राहगिरी जैसे कार्यक्रम में आने से आम आदमी के नाम से भी मुक्ति मिलती है और जनता के आशीर्वाद से ही उन्हें प्रदेश सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है। बहुत बढ़िया, सभी यहाँ के अधिकारी, अपने SDM त्रिलोक जी, अपने डॉक्टर DCP साहब, सभी जिले के सभी अधिकारी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा है। सभी हर उससे क्षेत्र से लोग हैं और मैं अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा। बड़ा प्रोग्राम है, आप सभी राहगीर शामिल हैं, सभी गणमान्य लोगों ने इसका लाभ उठाया है और राहगीरी आपस में भाईचारा है, हंसी मजाक है, तनाव कम होता है, एक मिलजुल दुख सुख बढ़ता है, आदमी सुबह उसका लाभ मिलता है। जो काम सालों में नहीं होता वो एक दिन में 2 घंटे में हो जाता है।